हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन जीके। तो गाइस, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि जुलाई मंथ के फर्स्ट एंड सेकंड वीक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो गाइस, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे पुड्डा क्लर्क का एग्जाम आएगा, SBI क्लर्क PO मेंस का एग्जाम होगा, RRB के एग्जाम आएंगे, IBPS के एग्जाम आने वाले हैं, उसके बाद रेलवेज लोको पायलट ग्रुप डी के एग्जाम आएंगे, पटवारी पंजाब पटवारी के जो एग्जाम आने वाला है, उसके बाद पुलिस एंड पंजाब TRSS बोर्ड के एग्जाम आएंगे। ओके, अदर जितने भी आने वाले एग्जाम हैं सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ओके, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग नोटिफिकेशन हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड FB पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ओल्ड जॉब कैसी एंड GK ये हमारा पेज है। उसके बाद इंस्टाग्राम पे harry_kashyap8 पर आप मुझे जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक स्कीम है कन्या वन समृद्धि योजना। ये स्कीम है किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नीचे ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, पंजाब, उड़ीसा। तो सही जो आपका ऑप्शन है वो है ए, महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र ने ये स्कीम लॉन्च करी है, कन्या वन समृद्धि योजना। ओके, महाराष्ट्र के जो CM है वो कौन है, वो है देवेंद्र फडणवीस। ओके, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, आप सभी को इसके बारे में पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केरला गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है। ओके, केरला गवर्नमेंट ने MOU साइन किया है फॉर डिजिटल हब, इनमें से किसके साथ। तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए, निसान के साथ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है केरला ने। उसके बाद इनमें से कौन सी सिटी स्मार्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड मिडिल ईस्ट सर्वे के अनुसार बनी है। तो गाइस टॉप किया उस सिटी ने, शारजहाँ, दुबई, अबू धाबी या फिर बहरेन। तो गाइस सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, अबू धाबी, जो कि UAE की कैपिटल है। इस सिटी ने जो स्मार्टेस्ट सिटी है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन आपका, विच इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इनमें से इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, तो गाइस वो है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र। द फर्स्ट असामी, असम के रहने वाले ऐसे पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने कंचनजंगा, आपको पता है कंचनजंगा दुनिया की थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है, इसको पार किया है। तो गाइस उनका नाम बताइए आप, उनका नाम है मोंटी राजखोवा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मध्य प्रदेश यानी कि MP गवर्नमेंट ने एक नेशनल कालिदास सम्मान जे दिया है, किसको दिया है। ठीक है, तो गाइस जे इन्होंने दिया ऑप्शन बी, अंजोली एला मेनन को। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, विच विल बी दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंटल फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर प्रोग्राम होगा जो कि गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किया गया है। तो गाइस इस प्रोग्राम का जो नाम है वो क्या है। नीचे आपको ऑप्शन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सही आपका ऑप्शन है वो है आयुष्मान भारत प्रोग्राम। इसके तहत 1 करोड़ व्यक्ति हैं उनका जो इलाज किया जाएगा वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, उसके बाद रवि थापर टू बी नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ, तो सही ऑप्शन है कोस्टा रिका। उसके बाद है सत्यार्थी शर्मिला, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर बने हैं इंडिया के। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं जो फर्स्ट पहली बार जो हुआ हो। ओके, तो गाइस ये बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से, इनके नाम से आपको पता चल गया होगा तमिलनाडु। उसके बाद द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू सेट अप दी खादी मॉल खुला है जो खादी पर बेस्ड है। तो गाइस वो किस स्टेट में ओपन हुआ है, तो वो हुआ है झारखंड। ओके, झारखंड की जो कैपिटल वो है रांची एंड झारखंड की जो CM है वो है रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडियन गवर्नमेंट सेलिब्रेटेड दी फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि GST की फर्स्ट एनिवर्सरी इन्होंने मनाई है। तो वो कब मनाई, या फिर आप कह सकते हैं कि जो GST लागू हुआ था सबसे पहली बार वो कब हुआ था। तो गाइस वो हुआ था 1 जुलाई को। ओके, 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई थी और 1 जुलाई 2018 को एक साल हो गया एनिवर्सरी जो है मनाई गई इसकी। उसके बाद नेम ऑफ द इंडियन जर्नलिस्ट हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट
क्रिकेट एसोसिएशन DDCA के न्यू जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है वो, जैसे कि आपको पहले बता चुका हूँ इंडियन जर्नलिस्ट हैं, ओके बहुत फेमस है। तो गाइज उनका नाम है ऑप्शन सी रजत शर्मा, आपको पता है रजत शर्मा इंडिया टीवी के जो एंकर हैं काफ़ी फेमस हैं। उसके बाद हु ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन चीफ रिसेंटली, तो कबड्डी के जो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, तो गाइस वो बने हैं जनार्दन सिंह गहलोत, ओके। उसके बाद दिस टीम वॉन 2018 मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, तो मेंस चैंपियन ट्रॉफी जो कि हॉकी की हुई थी वो उसके विनर कौन थे, वो थी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा दिया था फाइनल में, ओके। उसके बाद इंडिया रैंक्स इन ICC T20 में इंडिया का कौन सा रैंक है, तो गाइस इंडिया का जो रैंक है वो है सेकंड, ओके। तो फर्स्ट किसका, फर्स्ट है पाकिस्तान का, पाकिस्तान अभी तक T20 में फर्स्ट पायदान पर है। उसके बाद राहुल द्राविड़, राहुल द्राविड़ आपको इनके नाम का पता ही है, क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, ओके फॉर्मर इंडियन क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, इनका जे कितने नंबर के प्लेयर बन चुके हैं जो कि इनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा ICC हॉल ऑफ फेम में, ओके इन जे है फिफ्थ, ओके फिफ्थ इंडियन है, इनसे पहले सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, ठीक है, उसके बाद कपिल देव, एक का मुझे नाम नहीं याद रहा, वो चार थे, और ये पांच में हैं जिनका नाम है, आया है ICC हॉल ऑफ फेम में। उसके बाद एंड्रेस मैनुअल लोपेज, ये प्रेसिडेंट बने हैं इनमें से किस कंट्री के, तो गाइस ये बने हैं मैक्सिको के, मैक्सिको। उसके बाद हु हैज़ बिकम द फर्स्ट सिख, पाकिस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सिख है वो एंकर बना है, ओके न्यू चैनल का, तो गाइस उनका नाम बताइए, उनका नाम है हरमीत सिंह, ओके उनका नाम है हरमीत सिंह, फर्स्ट ऐसे सिख हैं जो पाकिस्तान न्यू चैनल में एंकर के तौर पर काम कर रहे हैं। बिस टीम वॉन 2018 कबड्डी मास्टर दुबई टाइटल, दुबई में जो कबड्डी कप हुआ था ये किसने जीता, तो गाइस ऑफ कोर्स इंडिया ने जीता, इंडिया ने ईरान को हरा दिया फाइनल में। हु विन द 2018 मलेशिया ओपन टाइटल, मलेशिया ओपन टाइटल ये किसने जीता, तो गाइस ये जीता ऑप्शन ए ली चोंग वी, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये मलेशिया के ही रहने वाले, इन्होंने जापान के खिलाड़ी है उनको हराया, ओके। फॉर विच बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव परमिशन टू ओपन दी ब्रांच इन इंडिया, RBI जन की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसका जो हेडक्वार्टर वो है मुंबई में, इन्होंने परमिशन दे दी है किस बैंक को कि इंडिया में आप अपनी जो ब्रांचेस है वो ओपन कर सकते हैं, तो गाइज वो इन्होंने दी है बैंक ऑफ चाइना, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है इस पर। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट ये कहाँ पर ओपन होगी, तो गाइज ये ओपन होगी ऑप्शन ए बेंगलुरु, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में। Which among the following has been ranked the best dental college in India? India में best dental college बन चुका है, तो वो कौन सा बन चुका है, ओके तो गाइज वो बन चुका है ऑप्शन बी मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड साइंस। दिस प्लान्स टू एड 40 million वाईफाई यूजर्स इन इंडिया बाई 2019 में इन्होंने टारगेट रखा है कि 40 million जो वाईफाई यूजर हैं जे सेटअप करेंगे, तो गाइज किसने किया, वो किया गूगल ने, ओके गूगल के जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई जो कि इंडियन है। नेम ऑफ द फर्स्ट सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर टू कंप्लीट आयरन मैन कंपटीशन, आयरन मैन कंपटीशन को जीता है इन्होंने, वो कौन से हैं, उनका नाम है ऑप्शन ए विक्रम डोगरा सर्विंग जन की समय भी जे जॉब कर रहे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन बने हैं, तो गाइस वो कौन बने, वो बने विश्वास पटेल। विच जूनियर मिनिस्टर लॉन्च्ड CMSMS एंड खान प्रहारी ऐप, खान प्रहारी ऐप एंड CMSMS जे ऐप है किसने लॉन्च किया, तो गाइस इसको नोट डाउन कीजिए, जे किया श्री पीयूष गोयल जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल आर्ट म्यूजियम जे कहाँ पे ओपन होगा, तो गाइस ये होगा टोक्यो, किसकी कैपिटल है, जे जापान की कैपिटल है, ओके। CM गवर्नर इम्प्लॉयज टू अंडरगो ए मैंडेटरी डोप टेस्ट, इनमें से किस स्टेट के CM ने जो भी गवर्नमेंट के जो इम्प्लॉयज़ होंगे या फिर न्यू सिलेक्शन होगी उनके लिए डोप टेस्ट जरूरी रख दिया, तो गाइस सबको इसके बारे में पता है ऑफकोर्स पंजाब। हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर आपको पता ही है रजत शर्मा। अगरतला एयरपोर्ट इसका नाम बदल दिया गया है, अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो गाइस अगरतला किसकी कैपिटल है, ठीक है
इसका क्वेश्चन का आंसर आप खुद दोगे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अगरतला एयरपोर्ट का नाम चेंज होकर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर एयरपोर्ट रख दिया गया, उसके बाद मार्क जकरबर्ग, आपको पता है जे एबी के जो फाउंडर हैं, ओके, जे दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में शामिल हो गए हैं, तो गाइस इनकी पोजीशन क्या हो गई है? तो इनकी पोजीशन हुई है थर्ड। ओके, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आपको पता है अमेजोन कंपनी के जो हैं मालिक, ओके, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट के, तो थर्ड है एबी के। विच कंपनी बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट टैक्स पेयर प्राइवेट सेक्टर, इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया की लार्जेस्ट टैक्स पेयर प्राइवेट कंपनी बन चुकी है? तो गाइज आप सभी को पता है रिलायंस इंडस्ट्री। नेम ऑफ द बैंक विच बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल बैंक इन इमर्जिंग मार्केट आउटसाइड इंडिया चाइना, ओके, तो गाइज वो कौन सा बैंक है? वो है HDFC बैंक। हु वॉन द फर्स्ट प्राइज ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लोगो डिजाइन, आपको पता है कि ह्यूमन राइट कमीशन ने लोगो डिजाइन करने के लिए कहा था, उसमें प्राइज जो विनर जीता है वो किसने जीता है? तो गाइस वो जीता है ऑप्शन सी बंसीलाल केटकी। द इंडियन रेलवेज इज प्लानिंग टू लॉन्च टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करेगी इंडियन रेलवे, उस ट्रेन का नाम क्या होगा? तो गाइस उस ट्रेन का नाम होगा श्री रमायना एक्सप्रेस। विच मोबाइल कंपनी प्लान्स टू सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री, यूपी में सबसे बड़ी कंपनी ओपन करेगी, इनमें से कौन सी कंपनी? तो गाइस वो करेगी सैमसंग। इंडियन क्रिकेटर, इनमें से कौन से इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में 500 इंटरनेशनल मैचेस का रिकॉर्ड बना दिया? इनसे पहले दो ऐसे इंडिया के जो खिलाड़ी रह चुके हैं, एक तो सचिन तेंदुलकर, उन्होंने 664 जो मैचेस वो खेले हैं, एंड एक हैं 507, वो है राहुल द्रविड़। और जो थर्ड बने हैं वो कौन बने हैं T20 टेस्ट एंड वन डे इंटरनेशनल सभी को मिला के? तो गाइस वो बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, फॉर्मर इंडियन कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। विच नोवल वॉन द गोल्डन मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2018, तो गाइस वो किसने जीता? वो जीता द इंग्लिश पेशेंट। विच स्टेट टॉप्स इन एज ऑफ डूइंग बिजनेस सर्वे, किस स्टेट ने जिस इस सर्वे में टॉप किया? तो गाइस वो किया आंध्र प्रदेश में। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि सबसे ज़्यादा जो अच्छा बिजनेस होता है वो किस स्टेट में होता है? वो है आंध्र प्रदेश में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अन्ना कंटीन्स, तो जे किस स्टेट ने लॉन्च किया जिसमें 5 रुपये का आपको जो मिलेगा मील? ओके, तो गाइस वो किया है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश ने। दीपा कर्माकर का नाम आपने सुना होगा, जे जिमनास्ट हैं, ओलंपिक में इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो वो किस स्टेट का बनाया गया है? तो गाइस वो त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला, त्रिपुरा दीपा कर्माकर। ओके, हु ओवरटुक दी अलीबाबा ग्रुप फाउंडर जैक मा, अलीबाबा के जो फाउंडर हैं जैक मा वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन थे, लेकिन उनको पीछे करके अब दोबारा से एशिया के जो रिचेस्ट पर्सन बने हैं वो कौन बने? तो वो बने इंडिया के मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। ओके, हु बैग द गोल्ड एट द IAAF वर्ल्ड Under-20 चैंपियनशिप हुई है, इसमें 400 मीटर के इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो गाइस वो जीता है हिमा दास, काफ़ी फेमस हो चुके हैं ये। ओके, तो गाइस इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया, पहली बार ऐसा हुआ कि इस इवेंट में किसी इंडियन ने गोल्ड मेडल जीता है। ओके, मिल्खा सिंह एंड पीटी उषा का भी रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया, तो गाइस काफ़ी अच्छा काम किया हिमा दास। विच स्टेट टॉप्स इन रिवेन्यू GST, GST के रिवेन्यू कलेक्शन में किस स्टेट ने टॉप किया? तो गाइस वो किया हरियाणा, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़, एंड मनोहर लाल खट्टर जहाँ के CM हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन। अब लास्ट में आपको क्विज पूछूंगा जो कि मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया था उसमें। ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बिजनेस फर्स्ट पोर्टल, बिजनेस फर्स्ट पोर्टल जो लॉन्च किया है किस स्टेट की गवर्नमेंट ने? उड़ीसा, नीचे ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, पंजाब, या फिर राजस्थान। जो आपका सही ऑप्शन आप कमेंट करके बता सकते हैं, जिसका आंसर सही होगा वो मैं पिन कर दूंगा। ओके, तो गाइस ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ओके, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके गाइस, आपने मुझे समझ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।